students, today we discuss about hypertension. हाइपरटेंशन को अपन साइलेंट किलर भी बोलते हैं. हाइपरटेंशन है जो आप हाइपरटेंशन इज जो पेशेंट जो हाइपरटेंशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 बाई एमएमएमजी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 एमएम ऑफ एचजी. इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है जो आर्टरी की ब्लड है जो आर्टरी की वॉल पर जो प्रेशर लगता है उसको आर्टरी को प्रेशर लगता है उसको जो प्रेशर लगता है उसको जो मतलब जो प्रेशर लगता है उसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं. ब्लड प्रेशर के अंदर अपनी कॉजेज है प्राइमरी कॉज है जो अननोन कॉज है इसका कोई असिम्प्टोमेटिक है इसमें कोई कॉज अपन को रिफाइन नहीं. जो सेकेंडरी कॉज है वो पैथोजेनिक कंडीशन है उसके अंदर पैथोजेनिक कंडीशन के अंदर किडनी डिजीज है इसके अंदर किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्रीज और पाइलोरिक नेफ्राइटिस है इसमें कंडीशन के अंदर. एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो इसके अंदर ट्यूमर ऑफ एडिनल मेडुला है एडिनल मेडुला और इसके अंदर सेकेंड है इसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम. थर्ड है इसमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के अंदर अपने को स्टेनोसिस है एरोटिक स्टेनोसिस है और रेनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है. जो हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन के अंदर अदर है जो एंडार्ड प्रोस्टेट ठीक है अदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसमें टॉक्सोमिक ऑफ प्रेगनेंसी. टॉक्सोमिक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये है जो प्रेगनेंसी की सेकेंड स्टेज है उसके अंदर पेशेंट जो फीमेल है उसको जो उसके पैरों में सूजन आ जाती है इसलिए उसको टॉक्सोमिक प्रेगनेंसी कहते हैं. फिर इसके अंदर एक्सेसिव बॉडी वेट की इसका एक कॉम्प्लिकेशन है. फिर अपन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखेंगे कि हर्ट डिजीज के अंदर कौन कौन सा होता है. क्रोनिक हर्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को माइकार्ड इन्फ्रैक्शन हो सकता है और एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है. सेकेंड के अंदर रीनल फेलियर हो सकता है कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो रीनल फेलियर हो सकता है पेशेंट को. सेरिब्रल हेमरेज है अगर ब्लड का जो प्रेशर बढ़ जाएगा तो पेशेंट सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है. इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे पेशेंट के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पेशेंट के अंदर उसको हेडेक होगा पेशेंट को पाल्पिटेशन होगा पेशेंट को और पेशेंट की उसके अंदर उसके ब्लरिंग विजन आएगा प्रोटीन यूरिया हो सकता है हेमेटोरिया हो सकता है पेशेंट को. फिर इसके अंदर टिनाइटिस हो सकता है मतलब उसके ईयर के अंदर गंदगी जैसा बचेगा पेशेंट. फिर अपन इसमें डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए अपने स्फिग्नोमोनोमीटर जो उसको यूज़ करते हैं और पेशेंट को अपन चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं चेस्ट एक्सरे फॉर द कार्डियोमिगेली के लिए करा सकते हैं पेशेंट को यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं और उसके प्रोटीन यूरिया चेक करने के लिए और पेशेंट को अपन इसमें यूरिन और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं मतलब सोडियम पोटेशियम जांच के लिए. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे इसके अपन इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन बीटा ब्लॉकर देंगे जो एटिनोल है पेशेंट को. डायबिटिक देंगे इसमें थायराइड है जो कैल्शियम एंटागोनिस्ट है वो रिफेटिडिन देंगे और एसी इनहिबिटर देंगे कैटाप्रोलैक्टिन और अदर के अंदर मेथाइडोपिन इसमें अपन पेशेंट को देंगे ठीक है. और नर्सिंग जो मैनेजमेंट है उसमें अपन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बस पेशेंट की अपन डाइट पे मॉनिटर करेंगे और जो पेशेंट को रेस्ट है वो प्रोवाइड कराएंगे. इसमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें अपन को उसकी हेल्प करेंगे जो उसके डाउट है वो अपन क्लियर करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में इसमें पेशेंट की और इसका एनजाइटी लेवल को दूर करेंगे. एजुकेशन लेवल है मतलब उसको जो मेडिसिन है वो उसको किस टाइम पर लेनी है वो मेडिसिन अपन उसको पेशेंट को बताएंगे कि मेडिसिन उसको कैसे लेनी है. अगर मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है तो अपन पेशेंट को देखेंगे कि उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा मेडिसिन की वजह से और इसमें मेडिकेशन उसको टाइमली प्रिस्क्राइब करेंगे और जो उसका बीपी है उसको मॉनिटर करेंगे मतलब दिन में